नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। डिनोटिफाइड ट्राइब्स की महिलाओं पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स में महिलाएं पिछड़ गई हैं, इसलिए हमने इस साल के जागरूकता और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स महिलाओं का एक सामान्य विषय रखा है। ये उस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि मैंने मणिपुर का दौरा किया और दोनों जनजातियों की महिलाओं और पीड़ितों से मुलाकात की और अब मैं सरकार को रिपोर्ट सौंप दूंगी। उनका आज भी जो हम कहते हैं कि हमने महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने हैं या आज जीडीपी ग्रोथ में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए, अब मुझे लगता है वो कहीं पीछे रह गई हैं। और इसीलिए हमने इस साल का अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए और रिसर्च के कार्यक्रम, ये दोनों में एक टॉपिक हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स की विमेन के ऊपर भी रखा है। उसी की कड़ी में हमने एक पहला कार्यक्रम यहाँ किया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में इस पे कार्यक्रम हो रहे हैं और वो राष्ट्र महिला आयोग के द्वारा ही फाइनेंस किए जाएंगे। इसकी जो भी रिपोर्ट होगी बाद में हम वो गवर्नमेंट को देंगे। उधर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा पर बयान दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी सरकार के लिए महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण हो या संबल योजना हो, वो आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित वातावरण में रह सकती हैं। चाहे संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पार्टी की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है महिला सशक्तिकरण, हमारा प्रमुख मिशन है। तो महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो। उधर झारखंड में कानून व्यवस्था की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही और ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक औजार मान रहे हैं, जिन्हें अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, वे वसूली में लगे हैं। लगातार बिगड़ती जा रही है और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूं कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको फिर सजा देना, लेकिन झारखंड सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे उस काम में पुलिस को लगा रखे। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरे के पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या करते उसको। बठिंडा के मोड मंडी गोली कांड मामले में ज्वेलर्स के समर्थन में दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया और पूरा बाजार बंद रखा। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त किया। वहीं पुलिस की तरफ से ज्वेलर और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए गनमैन दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज कर लिया है,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बीते 3 जुलाई को आसरा लॉज में हुए गुलाब बीसी की संदिग्ध मौत पर देवभोग पंडरा माली समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएच 130 पर घंटों जाम लगा रहा। बता दें कि पंडरा माली समाज का आरोप है कि पुलिस ने जांच के खेल खेले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत के एफएसएल रिपोर्ट नहीं आने के कारण विवेचना में देरी हो रही है। हमारा मुख्य मांग यह है कि गुलाब बीसी कुमड़ी खुर्द निवासी का अचानक आसरा लाज पे मौत हो जाना, उसके संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई आज तक के ठोस कदम नहीं उठाने के कारण हम लोगों के द्वारा सारे समाज के युवा बुजुर्ग वयवृद्ध सज्जन से निर्णय लेकर के जन आक्रोश पैदा हुआ कि इतना बड़ा समाज रह करके देवभोग ब्लॉक में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जा रहा है जो कि विधिवत संचालित होना चाहिए लॉज, वो विधिवत भी नहीं है, गैर तरीके से हो रहा है। लॉज संचालन के लिए सीसीटीवी कॉटेज का होना अनिवार्य है और वहाँ पर जिस किसी व्यक्ति मुसाफिर रुकने के लिए उसके लिए आईडी प्रूफ का भी होना आवश्यक होता है। ये जो है कुछ दिन पूर्व जो है एक युवक की यहाँ लॉज में मृत्यु हो गई थी, इस बात को लेकर के माली समाज के लोग आज थाना के पास पहुँचे थे और चक्का जाम की स्थिति निर्मित किए थे, जिसमें ये इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों की पतासाजी करके पकड़ की जानी चाहिए। इसमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है उसमें अभी तक मृत्यु के कारण का पता नहीं चल पाया है, इस बात को उनको अवगत कराया गया और इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट होता है उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें जो है अगर कारण पता चलता है कि इसकी हत्या हुई है या नॉर्मल डेथ है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, इस बात से उनको अवगत कराया गया। तो उन लोगों ने जो भी चक्का जाम था उसको समाप्त किया है और मतलब अभी जो है आगे की गुलाब बीसी के यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी विधवा हो गई है, उसको पालने वाला उसके आगे पीछे कोई नहीं है और एक बच्ची जो है 1.5 साल की है और एक 6 महीने का है, इसलिए उसके लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। उसके लिए शासन की ओर से कोई भी सुविधा होनी चाहिए। परिजन की आप कार्रवाई चाहिए? परिवार वही बोलने से जो अपराधियों को दंड होना। उधर पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पुलिस अधीक्षक रायबरेली के नेतृत्व में रायबरेली पुलिस के द्वारा जुलाई माह में जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, गैंगस्टर, एनडीपीएस, मारपीट, गबन आदि से संबंधित 35 अभियोगों में प्रभावी पैरवी करते हुए और उन लोगों के ऊपर दोष सिद्ध होने के बाद 62 अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा सजा दिलाई गई। इस पूरे प्रकरण में रायबरेली पुलिस की सक्रियता, आपसी सामंजस्य महत्वपूर्ण रहा, जिसके फलस्वरूप अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की गई है। मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस मुख्यालय से हम लोग को विगत 1 माह में कई निर्देश प्राप्त हुए हैं, डीसी के मार्फत भी और शासन अध्यक्षों के मार्फत भी, और उसके बाद से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके, मॉनिटरिंग सेल कमेटी में बात करके, पैरोकारों से बात की हम लोगों ने और APO और SPO से बात करके हम लोगों ने कन्विक्शन के प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया है। और उसकी वजह से जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है पिछले 1 महीने का, उसमें तकरीबन 35 मामलों में सजाएं हुई हैं जिसमें 62 लोगों के खिलाफ सजा की गई है सेशन कोर्ट के द्वारा और लोअर कोर्ट के द्वारा, जिसमें
जो मुख्य सजा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, पॉक्सो की 2 सजाएं हैं, पॉक्सो एक्ट की, और गैंगस्टर एक्ट में भी 3 सजाएं हुई हैं, NDPS में 6। अगला मामला जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां गजनेर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पुलिस अधिकारियों को गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए युवती ने बताया कि एक युवक बीते 2 सालों से उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। जब वो शादी के लिए उससे कहती तो वो युवक उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का काम करता था, साथ ही उसके साथ गाली गलौज भी करता था। वहीं पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच करा के कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में पीड़िता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। हम SP ऑफिस आए थे भैया, और हम 2 महीने से बहुत परेशान हैं। एक लड़का है जिसने मुझे 2 साल पहले मतलब अपने प्रेम जाल में फंसाया, 2 साल से मुझे अपने साथ रखा, और उसके बाद अब मुझे बोलता है कि तुम जाति की हरजन हो, और मेरे साथ शोषण करता रहा और गाली गलौज की, मारपीट की, सब सारी चीज़ें करता रहा, और उसके बाद कहता अब तुम हरजन हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। जब हम उससे शादी का दबाव बनाने लगे तो हर रोज़ मारपीट करने लगता था, गाली गलौज करता था, और अभी मेरे साथ मतलब मारपीट करके मुझे छोड़ के भग गया था 30 तारीख को 30/5 को भैया, मारपीट और मेरे साथ अधिकतर मतलब हाँ मेरा शोषण तो करते ही रहता था, बस ये अभी बाद में ये हुआ कि अब तुम हरजन हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला द्वारा अपना एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें उस महिला द्वारा एक व्यक्ति पर पिछले 2 वर्ष से उसका शोषण करने, उसके साथ मारपीट करने और गाली गलौज करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। महिला से संपर्क कर तहरीरी लिखित सूचना प्राप्त कर उस पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करके उसका विधिक निस्तारण किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला द्वारा अपना एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें रायबरेली से खबर है, बताते चले कि न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक डॉक्टर शशिकांत शर्मा के द्वारा शहर के प्रभु टाउन में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे में सभी को पौधरोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय निवासियों ने खुले हृदय से इस बात की सराहना की है। साथियों, आज ये हम लोग वृक्षारोपण के संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम श्री शर्मा जी द्वारा NSPS के तत्वावधान में जो है आयोजित किया जा रहा है। ये बड़ा ही अच्छा कार्य है और हम लोग इसका बड़ा ही समर्थन करते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज ये हम लोग वृक्षारोपण कहते हैं कि वृक्ष धरा का भूषण करता नहीं प्रदूषण। ये बड़ी खुशी की बात है कि NSPS के हमारे प्रबंधक महोदय इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने शिक्षा की ज्योति के साथ साथ ये वृक्ष लगाओ अभियान का जो अमल में लाने का लोगों को एक प्रेरणा दी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से आगे भी इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग। दादा, कौन से पौधे लगे हैं आप आज यहाँ पे? आम का है, बेल का है, आंवले का है। आज NSPS कृष्ण शशिकांत शर्मा जी, समाज सेवी, हम सब लोगों ने हमारे वार्ड में आज पौधे लगाए हैं। आम का है, जामुन का है, सागौन का है, बेल का है, और क्या कहते हैं, आंवला का है, अमरूद का है। ये सब पेड़ आज हमारे वार्ड में लगाए हैं, जिसमें परशुराम जी रहे, खन्ना जी रहे, भार्गव जी रहे, संजय भाई रहे, संजय सभासद हैं, और क्या कहते हैं, संदीप भैया हैं, सौरभ भाई हैं, और यहाँ के कुछ समाज सेवी अपने लोग हैं प्रभु टाउन। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। अच्छा, उधर मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका से शादी से इनकार किया तो प्रेमिका ने राम गंगा नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। बता दें कि पुल के पास मौजूद 2 शख्स जो कि पानी में कूदे और पानी में डूबी युवती को राम गंगा नदी से उन्होंने बाहर निकाला। वहीं सूचना पाकर
पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। फिलहाल युवती खतरे से बाहर है। मैं पानी में कूद गई थी सलीम की वजह से। सलीम कौन है, क्या बात है? सलीम से मैं प्यार करती हूँ, 4 साल से वो मेरे साथ है। उसने मेरे साथ सब कुछ किया है, मुझसे शादी का वादा भी करा था, अब अपने घर वालों की चढ़ाई में मना कर रहा है। ये सलीम करता क्या और कहाँ रहता है? MR है, भैंसिया में रहता है। यहाँ पे हम स्कूटर पे जा रहे थे, पुल पे एक लड़की अचानक खड़ी हुई पुल पे और ऊपर एकदम कूदने, ये बोले क्या नाम है, वे लड़की खड़ी हुई कूद रही। मैंने एकदम गाड़ी रोकी, वो एकदम धड़धड़ी कूद गई। फिर एक लड़का था, अभी मैंने कहा मैं उतारी था अपने कपड़े ले लिए, मेरे पैसे भी थे, मोबाइल भी था, तो मैं इनको देखे मैं कूद गया था। वो मुझसे पहले एक लड़का और कूद गया दिल्ली था वो। अच्छा, तो कौन सा पुल था ये? ये ट्रैफिक का पुल है, ये वाला रामगंगा का। हाँ, रामगंगा ट्रैफिक का पुल। अच्छा, लड़की कहाँ की है कुछ पता चला? भैंसिया गाँव की, नाम अपना तमन्ना बता रही। तमन्ना? हाँ, अपने बहनों का नाम अतीक बता रही। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? ऐसी होगी 14-15 साल की। उसके परिवार वाले थे यहाँ पे? कोई भी नहीं। लखीमपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एक अधेड़ पहुंचा, जहां उसने अपने आप को डीजल लगाकर आत्महत्या लगाने की कोशिश की। इस दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों ने हालांकि युवक को समझा बुझाकर सदर कोतवाली ले गए, जहां अधेड़ ने आरोप लगाया है कि उसे सदर कोतवाली की मिश्राना चौकी पर तैनात SI साधना यादव ने चौकी से भगा दिया था। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी को दबंग जबरन उठा ले गए थे, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं मामले में पुलिस पीड़ित की कोई मदद नहीं कर रही है, ये आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया गया है। हमारे तिवारा उठाए ले गए हैं पिपरा करम सिंह के सिवा, और हमारा मुकदमा भी चल रहा है इस मारे में, और हम कल परसों एप्लीकेशन दिए, और कल जो है साधना यादव हमको कोतवाली से भगाए दी नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उनके सिवा के रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, वो सब ये कराए रहे हैं हमारे। क्या किया, यहाँ क्या हुआ था? क्या हम साहब आए एप्लीकेशन दिए, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या किए हम? एप्लीकेशन साहब दिए हैं, DM साहब ने क्या डाले अपने ऊपर, क्या डाल लिया? हम डीजल ढील लिए, आग लगा ली, जान हत्या कर ली। योगी जी तो हम नहीं जाएंगे, लड़की हमारे तिवारा उठाए ले गए हैं। उसका ये कहना कि उसके प्राप्त पर उसकी लड़की को आरोपी द्वारा भगा लेने संबंध में कार्रवाई की गई है, जबकि सत्यता ये है कि इस संदर्भ में उनकी प्राप्त। आगरा मंडल की मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने ADO और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ शिल्पग्राम परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिल्पग्राम में पार्किंग, शौचालय, प्रकाश और बैठने की समुचित व्यवस्था न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मूलभूत व्यवस्थाओं के अपग्रेडेशन के लिए कार्य योजना बनाने को लेकर पर्यटन विभाग को इस दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें आर्या न्यूज़।